वो तो बताते चले कि हरियाणा में इस वक्त चुनाव होने हैं और अब जानेंगे क्या कुछ राजनीतिक स्थिति है। तो मतदान नजदीक आते देख राजनीतिक दलों में होड़ लग चुकी है। इसके साथ ही प्रत्याशी तिगड़म भिराने में लगे हुए हैं। तो बताते चले हरियाणा में चुनाव होने हैं जल्द ही और सभी पार्टियों के नेता रैलियों में शामिल होकर प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हरियाणा से, जहां जातीय समीकरण के आधार पर मतदाताओं को साधने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही बड़ी खबर हरियाणा से है, देखिए मतदान नजदीक आते देख राजनीतिक दलों में होड़ लग गई है और इसके साथ ही बताते चले कि प्रत्याशी तिगड़म भिराने में लगे हुए हैं। जल्द ही हरियाणा में चुनाव होने हैं, सभी पार्टियों के नेता रैलियों में शामिल होकर प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जातीय समीकरण के आधार पर मतदाताओं को साधने का प्रयास किया जा रहा है। मतदान नजदीक आते देख राजनीतिक दलों में होड़ लग गई है और इस पूरे विषय पर अधिक जानकारी लेंगे और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हरियाणा से संवाददाता प्रवीण आहूजा। तो हमारे साथ प्रवीण जुड़ चुके हैं। प्रवीण बताइए, जल्द ही हरियाणा में चुनाव होने हैं और चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी प्रवीण, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? जी बिल्कुल आवाज आ रही है। प्रवीण बताएंगे क्या कुछ स्थिति है इस वक्त हरियाणा में चुनाव को लेकर, जिस तरीके से सभी पार्टी अपनी अपनी समीकरण साधने में लगी हुई है। जी बिल्कुल, बता देना चाहते हैं कि हरियाणा में जो है 5 अक्टूबर को मतदान होना, उस मतदान को लेकर तमाम जितने भी पार्टियों के नेता है वो इस समय तिकड़म बिड़ाने में लग चुके हैं और लगातार रात देर रात तक, यूं कहें कि 12 रात के 12-1 बजे तक भी लोगों के घरों में जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जातीय समीकरण भी बैठाया जा रहा है, क्योंकि चुनाव के दिन बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं और एक एक दिन एक एक प्रत्याशी के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि पल पल समय घटता जा रहा है और 5 अक्टूबर बिल्कुल नजदीक आती जा रही है। तो उसको लेकर तमाम जो प्रत्याशी हैं, खास करके उनके जो साथ चलने वाले, उनकी जो सेवादार हैं या उनके कार्यकर्ता हैं, या यूं कहे कि पार्टी की जो तमाम बड़े दिग्गज नेता हैं, लगातार रैलियां करने और रैलियों के माध्यम से हरियाणा के जो मतदाता हैं उनको पूरी तरह से लुभावने का प्रयास किया जा रहा है। और कोई भी पार्टी का जो यूं कहें कि नेता है वो कोई कमी नहीं छोड़ रहा, चाहे वो किसी भी जाति से समीकरण रखता हो, लेकिन चारों तरफ से कहीं ना कहीं लगातार जो है लोगों को लुभावने का प्रयास किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है क्योंकि इस समय प्रत्याशियों को भी पता है कि अब एक एक दिन और एक एक घंटा बहुत जल्द बीतता जा रहा है और 5 अक्टूबर को जो मतदान होने उसको लेकर तमाम जितने भी हरियाणा पार्टियों के प्रत्याशी हैं वो लगातार इस समय चुनावी दौरे पर और लगातार रैलियां कर रहे हैं और रैलियों के दौरान लोगों से सीधा संपर्क साधने का भी प्रयास किया जा रहा है और रैलियों में तमाम वो बातें भी कही जा रही है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो तमाम हम उन चीजों को लागू करेंगे, तमाम उन चीजों को लेकर आएंगे। तो तमाम इन चीजों को लेकर मतदाता तब तो बहुत जागरूक हो गया। एक वो समय हुआ करता था तब मतदाता कहीं ना कहीं दूसरी तरह से वो अपनी बातों को बता दिया करता था कि वो किस तरह किस पार्टी के साथ वो जाना चाहता और किस पार्टी की वो सरकार बनाना चाहता, लेकिन इस बार स्थिति बड़ी विपरीत है कि कोई भी मतदाता है, जो भी वोटर है, वो बिल्कुल भी कोई जानकारी नहीं दे रहा है। यूं कहा कि वो बिल्कुल वोटर जो है वो साइलेंट है, किसी प्रकार की किसी भी पार्टी पर वो चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि 2024 का ये के पहला ऐसा चुनाव देखने में आ रहा है कि जहां मतदाता जो है पूरी तरह से साइलेंट और किसी प्रकार की कोई बात नहीं बताना चाहता, क्योंकि उन्हें मालूम है कि 5 साल तक अगर किसी के साथ नहीं जाएंगे तो क्यों उनके साथ कहीं ना कहीं विरोधाभास बातें रहेंगी, तो इस चीज को लेकर वो पूरा साइलेंट होके काम कर रहा है। हाँ, लेकिन अगर देखा जाए तो इस वक्त हरियाणा में कुछ ही दिनों में चुनाव होने हैं, पार्टियों की तैयारी अगर देखी जाए तो क्या लगता है कौन से पार्टी जो है, हालांकि सभी पार्टियां अपने अपने जोर आजमाइश कर रही है, लेकिन जनता की पसंद अगर देखे या जनता के लिए काम सबसे ज्यादा कौन सी पार्टी कर रही है? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसमें हालांकि स्थिति की समीक्षा करना बहुत गंभीर होगा, क्योंकि अभी जनता कहीं भी इस मामले में बातचीत सामने नहीं ला रही। अगर पार्टियों की बात करते हैं तो पार्टियां अगर मुख्य रूप से अगर कहीं लड़ाई जो राजनीति लड़ाई है जो राजनीति पार्टियां वो मुख्य रूप से भाजपा और कांग्रेस के बीच चल रही है। हालांकि क्षेत्रीय स्तर की जो पार्टियां हैं वो भी पूरी तरह से दमखम लगा रही है कि वो भी चाह रही कि उनके जो प्रत्याशी वो पूरी तरह से जीत कर, कहीं ना कहीं
जो है जब विधानसभा में जब पहुंचे तो सबसे ज्यादा उन्हीं की भागीदारी अपना उन्हीं का साथ सबसे ज्यादा लिया जाए। तो इसके अलावा जो निर्दलीय जो पहले भी हम कह चुके हैं कि आने वाली विधानसभा जो नई नया रूप लेकर आएगी उसमें स्वाभाविक है जो निर्दलीय हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी देखी जाएगी। वो कहीं ना कहीं सरकार बनाने का पूरा प्रयास करेंगे और उन्हीं के पीछे सरकार चलेगी, लेकिन उसकी इंतजार हुई है 5 तारीख की। तो इसमें कोई भी पार्टी है, चाहे वो भाजपा है चाहे वो कांग्रेस है, कहीं भी कोई तिकड़मबाजी में पीछे नहीं हटना चाहती और साम दाम दंड भेद नीति के हिसाब से तमाम जितने भी प्रत्याशी हैं वो जुटे हुए हैं, कहीं किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इनके परिवार के भी लोग दिन रात पूरी मेहनत कर रहे हैं और सब कई कई सीटें तो ऐसी हैं जहाँ त्रिकोणीय मुकाबला, और कई जगह तो स्थिति इतनी गंभीर है कि ये भी समीक्षा नहीं कर पा रहे हैं कि क्या कितने वोटों से हार जीत होगी। कहीं भी अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि कहीं 500 से लेकर 1000 के बीच में भी किसी प्रत्याशी की जीत का आकलन करना एक बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि लगातार जो प्रत्याशी मैदानों में पार्टी की तरफ से उतारे गए हैं वो सभी अपना अपना क्षेत्र में वर्चस्व रखते हैं। तो उसी को लेकर जितने भी जो प्रत्याशी हैं पूरी प्रवीण, ये आगामी 8 अक्टूबर को पता चल जाएगा कि हरियाणा की जनता किसे चुनती है और किसके वादे और किसके किए गए कार्य हरियाणा की जनता को पसंद आती है।